दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र वर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन पे खड़ा हूं, यह सरवाल का एरिया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल के बिल्कुल साथ में है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक कमर्शियल बिल्डिंग, हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 1100 स्क्वायर फुट का हॉल बना हुआ जो रेंट परपज पे हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आपको हमने फ्रंट एलिवेशन दिखा दी और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे इस बिल्डिंग में पहुँचने के लिए जो मेन रोड है 30 फुट का रोड है, ये यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आ रहा है और ये आगे चला जाता है विकास लेन की तरफ, जो आगे जाके पलोड़ों को एरिया जो टच कर जाता है। ये बस इसी रोड के ऊपर हम आपको जो बिल्डिंग मैं दिखा रहा हूँ, इसके फर्स्ट फ्लोर में हम आपको जो है हॉल देने वाले हैं। 1100 स्क्वायर फुट का हॉल आपको यहाँ पर रेंट पे हम देने वाले हैं और आए आपको इनसाइड से पूरा हॉल दिखा देंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में। ये देखिए, हम हॉल के इनसाइड में एंटर कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही बड़ा हॉल जो है, 1100 स्क्वायर फुट का हॉल है, बिल्कुल फिनिश्ड है यहाँ पे। और ऑलरेडी यहाँ पे जो है एल्युमिनियम एलिवेशन या एल्युमिनियम जो है फिटिंग का जो है यहाँ पे शोरूम था। और अब हम इसको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन में है और आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी आपका बिजनेस हो, आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे किसी का आपका क्लॉथ का शोरूम है, रेडीमेड्स का शोरूम है, सैलून है, आपका फास्ट फूड का काम है, आपकी लाइब्रेरी है, क्योंकि ऑलरेडी इस बिल्डिंग में एक सैलून तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो ही रहा है और लाइब्रेरी इसमें ऑलरेडी है। और इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस हॉल में यूज़ होने वाला एक वाशरूम। ये देखिए, हम आपको ये वाशरूम भी दे रहे हैं इंग्लिश सीट के साथ, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे यूज़ करने के लिए। और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है, लोकेशन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप देखिए, यहाँ पे मेन ग्लास लगा हुआ है और इसके ग्लास से ही हम आपको रोड पे चलती हुई गाड़ियाँ वगैरह जो दिखा रहे हैं, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये बिल्डिंग है और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी हुई और कमर्शियली अप्रूव्ड है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। और यहाँ मैं आपको अगेन आपको चाहूँगा इस पूरे हॉल का एक राउंड लगवाऊँ। ये देखिए, जो है सीलिंग वगैरह बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हो रखी है और नीट एंड क्लीन हॉल ऑलरेडी बना हुआ है। और यहाँ पे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट पहले थी, उनका एल्युमिनियम वगैरह का काम था, तो इसलिए अब जो यहाँ पे ये वेकेंट है, वो हम चाहेंगे आप यहाँ पे जो आपका बिजनेस है आप उसको एक्सपेंड करें। किसी ने नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है, वो अपना ऑफिस और बिजनेस वगैरह जहाँ स्टार्ट कर सकता है। किसी का इंश्योरेंस का बिजनेस है, वो भी यहाँ बड़े अच्छे तरीके से चल जाएगा। बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल जाएगा, क्योंकि मेन रोड के ऊपर है। कोई डॉक्टर ने कोई क्लिनिक वगैरह बनाना है, वो भी यहाँ चल जाएगा। मेन रोड पर बिल्डिंग होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उससे ये है कि आप कोई भी बिजनेस करते हों, आपका बिजनेस जो है बड़े अच्छे तरीके से यहाँ चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 30 फुट रोड के ऊपर है और इसकी लोकेशन जो है वो भी बहुत ही प्रोमिनेंट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल जो है, जहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही है, अपोजिट में पड़ जाता है। और ये जो रोड मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन में, ये रोड जो है आगे जो है चला जाता है बानतलाब की तरफ, विकास लेन की तरफ, और बहुत सारे जो हैं काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज हैं और कमर्शियल बिल्कुल एरिए के बीच में, जो बीचों बीच में ये सारा बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। और आप इसको ज़रूर कंसीडर करें और रेंट भी बहुत ही नॉमिनल हम इसका चार्ज कर रहे हैं। और ये पूरी बिल्डिंग जो है, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए इंडिपेंडेंट स्टेयर्स हैं, इंडिपेंडेंट रास्ता है। तो मैं चाहूँगा कि आपको एक बार स्टेयर्स से भी दिखा दूँ। ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर चले जाते हैं ऊपर के फ्लोर्स के ऊपर, और इन स्टेयर से हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से रेलिंग वगैरह लगी हुई है और स्टेयर्स के ऊपर भी जो है यहाँ पे मार्बल वगैरह फिट किया हुआ है। बड़ा नीट एंड क्लीन जो है बिल्डिंग पूरी की पूरी है और आप यहाँ पे ज़रूर इसको कंसिडर करें और आप इसका फ़ायदा लें। टाइल्स ज़्यादा बड़े अच्छे तरीके से लगी हुई हैं और आपको जस्ट इसको क्लीन करके अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करना है। इसमें रैक्स वगैरह भी लगे हैं, अगर आपका रैक्स के कंसर्न में कोई काम होगा तो ये आपको यहाँ पे रैक्स लगाने के लिए अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे रैक्स वगैरह लगे हुए हैं और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। तो दोस्तों, अब मैं पहुँच गया हूँ रूफ टॉप के ऊपर। इस बिल्डिंग के रूफ टॉप से मैं आपको
यहाँ का आगे पीछे का नज़ारा दिखा रहा हूँ। और सामने आप देख रहे हैं रेड कलर की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये जो है हाई कोर्ट है, जानीपुर का हाई कोर्ट है। ये भी डिस्टेंस जो है जस्ट एक दो किलोमीटर की दूरी पे है। और आगे पीछे का एरिया मैं दिखा रहा हूँ, पूरा जो है जम्मू सिटी है आपको नज़र आ रहा है। जिस साइड भी आप नज़र दिलाएंगे इसी साइड आपको जो है बिल्डिंग नज़र आएंगी। और सामने आप देख रहे हैं, सामने ये जो है सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है, एक साइड में टेम्पल है और उसी के साथ में लगता हुआ जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल का है। ये बिल्कुल इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपको लोकेशन के बारे में आइडिया हो जाए। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे जो है प्रॉपर्टी मैं दिखा रहा हूँ। अगेन मैं आपको मेन रोड जो है ये दिखा रहा हूँ टॉप फ्लोर से। ये आप जहाँ से देख रहे हैं आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हॉल है, बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। तो आप इसको प्लीज़ दोस्तों, मैंने आपको ये 1100 स्क्वायर फुट का हॉल जो है इनसाइड से पूरा व्यू करवा दिया है और लोकेशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन में है, सरवाल के एरिया में आपको म्यूनसिपल अप्रूव गवर्नमेंट अप्रूव हॉल जो है दिया जा रहा है रेंट पर फर्स्ट फ्लोर और बिल्कुल रीजन की पूरा तैयार बना हुआ है। और अब हम बात करेंगे इसके रेंट की। रेंट भी हम बहुत ही नॉमिनल से इसका चार्ज कर रहे हैं, दैट इज 38,000 रुपये में ये आपको 1100 स्क्वायर फुट का हॉल अलॉन्ग विद अटैच बाथरूम का दे रहा है, मिल रहा है। और पूरे जो है 30 फुट के रोड के ऊपर, ये मेन रोड के ऊपर आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई दी जाए। तो इसलिए आप इस हमारे वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके किसी दोस्त को, आपके किसी जाने वाले को ऐसे ही प्रॉपर्टी की जरूरत हो, जो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो या कोई नया बिजनेस खोलना चाहता हो, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगी। तो आप इसको प्लीज़ जरूर कंसिडर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, हमें अच्छे से अच्छे कमेंट सेंड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद।